तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, सऊदी में अब पहले जैसे सऊदी नहीं रहा, बहुत कुछ चेंजेज हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ होता था पहले कि जो वर्कर होते थे उन पर कोई भी मीडिया काम नहीं करती थी, उनके ऊपर उनकी कोई भी हाल खबर लेने वाला नहीं रहता था। अभी मैंने कल एक वीडियो डाला तो उसमें कुछ लोग जो है जो क्लीनर होते हैं, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा कि क्लीनर में कितनी सैलरी होती है, क्या करते हैं, सब कुछ इसी टॉपिक पे आज ये वीडियो है। तो जो कल के वीडियो हमने डाला उसमें जो एक मीडिया के कुछ आदमी, कुछ औरतें हैं जो सऊदी में वर्कर हैं, क्लीनर हैं, उनका इंटरव्यू ले रही हैं, पूछ रहे हैं कितनी सैलरी है, क्या है, कैसे है, तो वो बता रहे हैं। तो उस पर सऊदी सरकार ने एक एक्शन लिया है जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक ताकि आप लोगों को अच्छे से बढ़िया से जानकारी मिले और आप लोग भी समझें कि यहाँ पर जो क्लीनर लोग हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, लाइफ स्टाइल क्या होता है, और रहते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, सैलरी कितनी होती है। जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिरी तक देखें, तभी आपके समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले क्या होता था, अभी तक जो जिनका पासपोर्ट ECR होता था वो सोचते थे कि सऊदी चले, कोई भी काम मिल जाए उसमें हम चलें। तो वो यहाँ आते, आने के बाद उनको कोई भी काम मिल जाता, चाहे क्लीनर का, चाहे कोई भी कंपनी में कोई भी काम मिल जाता, वो करते रहते। क्योंकि जो अनपढ़ हैं, इंडिया में इतनी बेरोजगारी आप लोगों को पता ही है, जो अनपढ़ हैं उनको इंडिया में 5-7 हज़ार की नौकरी मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ आने के बाद लगभग 20 हज़ार की नौकरी आराम से मिल ही जाती है। तो वो लोग यही सोच करके यहाँ आते थे, आते हैं अभी भी। तो कंपनी कंपनी में जो आते हैं वो कंपनी क्या करती है कि जो ECR जिनका पासपोर्ट होता है, जो अनपढ़ लोग होते थे, क्लीनर वगैरह में जो आते थे, उनकी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा 1200 रियाल रहती थी, 1800, अधिकतम 1200। तो जब इंटरव्यू लिया, क्योंकि कंपनी तो जो है सरकार को बताती थी कि हम इतना सैलरी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सरकार भी उस पर अभी कोई एक्शन नहीं ले रही थी, वो इस सेक्टर में अभी उसका दिमाग नहीं था। लेकिन जब से ये सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ है, जब से मीडिया के लोग ये सब करने लगे हैं, जो वर्कर है उनकी आवाज़ को उठाने लगे हैं, तब से ये आवाज़ जो है सऊदी सरकार के कानों तक गई। सऊदी सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए कहा है कि जल्द से जल्द वो एक घोषणा करने वाला है, वाले हैं, ऐलान करने वाले हैं कि अब जो वर्कर होंगे उनकी न्यूनतम सैलरी कितनी होगी। मेरे हिसाब से अब लगभग 1500 सैलरी कंपलसरी करने वाले हैं, क्योंकि 1500 से नीचे यहाँ पर रहना खाना मुश्किल का काम है। 1500 से नीचे जिसकी सैलरी रहती भाई साहब, वो इंडिया में ही रह ले, इंडिया में ही कमा ले, यहाँ पे उसकी क्या बचेगा। अगर उसको 1500 सैलरी मिलता है तो लगभग मान के चलो 500-600 रुपये वो खा जाएगा। तो जो कि कम सैलरी मिलती थी, जो क्लीनर होते हैं उनको कम सैलरी मिलती थी, तो वो लोग क्या करते थे कि भीख मांगना चालू कर दिए थे। हमने देखा कि जो क्लीनर होते हैं, जो सफाई करते हैं, 2-2 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर पे क्लीनर लोग लगे रहते हैं, रोड साफ़ करते हैं, रोड गली हर एक चीज़ साफ़ करते रहते हैं, उनका बस वही काम होता है, शिफ्ट बाय शिफ्ट रहता है। तो कंपनी की गाड़ी लाती थी, उनको छोड़ देती थी, उसके बाद जब उनका समय हो जाता था, काम ख़त्म हो जाता था, फिर गाड़ी आती थी, उठा करके ले जाती थी, यही सिस्टम रहता था। तो वो लोग जो है लालच में क्या करते थे, भीख मांगना चालू कर देते थे, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रियाल, 1 रियाल, जो भी जो दे देता था वो ले लेते थे। तो बीच में क्या हुआ कि कैमरे लगे रहते होते हैं हर जगह, तो उस पर एक्शन लिया गया, उस पर जुर्माना लगा दिया गया सरकार ने। तो उसके बाद यहाँ की जो मीडिया है उसने ये सोचा कि ये लोग आखिर मांगते क्यों हैं, जब इन लोगों की सैलरी है अच्छी खासी तो मांगते क्यों हैं। फिर ये लोग पहले तो कंपनी में पता करते तो कंपनी बताती थी कि इतनी सैलरी, यानी अच्छी खासी सैलरी बताती थी, लेकिन मीडिया जब ज़मीन पे उतरी और लोगों से बातचीत किया तो पता चला कि 800, 700, 1000 अधिकतम तनख्वाह है इनकी, तब जाके ये बात सरकार के कानों में पहुंची है। तो वो लोग ये समझे कि जब इतनी कम सैलरी है तो स्वाभाविक है इतनी कम सैलरी में उनको मांगना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसा कहाँ से बचाएंगे। तब सरकार ने उस पर जो है
अब सोच विचार विमर्श कर रही है, उस पर कंटिन्यू काम कर रही है, जो जल्दी ही फैसला आने वाला है, जो भी आएगा हम इस वीडियो में अपडेट में बताएंगे कि न्यूनतम सैलरी कंपनी को जारी करने वाली है सरकार, सऊदी की गवर्नमेंट, कि आप इससे कम सैलरी किसी भी वर्कर को नहीं दे सकते, चाहे वो कोई भी काम हो। क्योंकि यहाँ की जो कंपनियाँ हैं, कंपनी में भाई साहब बहुत फ्रॉड हो रहा है, बहुत सैलरी नहीं देंगी आपको तो क्या करेंगे, बहुत वर्करों का सैलरी रोक के रखा था, बहुत लोगों की हमने अभी एक दो दिन पहले वीडियो डाला था, उसमें दिखाया था कि बिहार के बहुत सारे लोगों की सैलरी का उनका वीजा ही रिन्यूअल नहीं करवाया, उनका एकामा ख़त्म हो गया, बेचारे वो कहाँ जाए। तो इस टॉपिक पे हमने बताया था आप लोगों को। तो कंपनी वही उनका यही सिस्टम है कि वर्कर को परेशान करती, वो उनका अगर काम नहीं चलता तो वो लोग सैलरी ही नहीं देते, फिर ये बेचारे क्या करते, पुलिस से पकड़वा करके किसी तरह इंडिया या जो बांग्लादेश या पाकिस्तान जहाँ के भी रहने वाले हैं जाते। लेकिन अभी सरकार उस पर एक्शन लेना चालू कर दिया है, अब देखो क्या होता है। फिलहाल ये बहुत अच्छी बात है कि अगर इस तरह सऊदी गवर्नमेंट काम करती है वर्करों के लिए, वर्करों के हित में, तो बहुत अच्छी बात है, वर्करों के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आदमी देखो चार पैसे कमाने के लालच में सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन जाता है, वो सोचता है वहाँ चलेंगे, चार पैसे कमाएंगे और अपने घर भेजेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद अगर उसको भीख मांगना पड़े तो उससे ख़राब बात, उससे नीचे की बात हो ही नहीं सकती कुछ। तो ये समझ लो कि अगर उसको भीख ही मांगना है सऊदी में आके, कितनी इंसल्ट उसकी, कितनी बेइज्जती अपने देश की वो करवा रहा है। तो हालांकि सऊदी सरकार इस चीज़ के फेवर में, अभी कुछ दिन पहले सऊदी सरकार तो ये चाहती है कि कोई भी आदमी अपने देश की बुराई ना करे। सऊदी सरकार अभी एक दो दिन पहले की बात है, सऊदी के दो तीन लड़कियां का वीडियो, दो तीन लड़कियों का वायरल हुआ, वो मालदीव जा करके वहाँ सऊदी की बड़ाई कर रहे हैं और मालदीव की बुराई कर रही थी, वो स्नैपचैट पे वीडियो अपलोड की। उसके बाद वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि सऊदी सरकार ने उसको देखा, फिर उनके ऊपर 3 लाख रियाल का जुर्माना लगा दिया। अब 3 लाख रियाल जुर्माना मामूली बात नहीं होती है, सोच लो। सऊदी सरकार ने ये कहा कि तुम सऊदी की बड़ाई कर रही हो और मालदीव में गई हो और मालदीव की ही बुराई कर रही हो, इससे बहुत ख़राब इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सऊदी सरकार ये कतई नहीं चाहती कि किसी के वजह से हमारी बदनामी हो, हमारी बुराई हो, ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि ऐसा हर देश में होना चाहिए, इंडिया में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब में ऐसा नहीं है। अभी कोई भी कुछ भी जाके करता है लेकिन वहाँ की सरकार उन लोगों के ऊपर एक्शन नहीं लेती, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ की सरकार बहुत अच्छे तरीके जा करके बहुत अच्छी हिसाब किताब से एक्शन लेती है, बहुत तत्काल में एक्शन लेती है उन लोगों के खिलाफ जो सऊदी की बदनामी करवाते हैं, सऊदी की बदनामी करवाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सऊदी में रहना, अगर तो मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी देश के का बदनामी आप ना करें तो ही बेटर है। खासकर सऊदी पीपल से, अगर सऊदी लोगों से कोई भी रिलेशन है तो बिल्कुल भी कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे यहाँ के निगाह में आए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। मेरा काम आप लोगों को जागरूक करना, अगर आप लोग जागरूक होते हैं तो अच्छा ही है। मेरा बस सिर्फ मकसद यही है कि कोई भी आदमी, एक भी आदमी यहाँ पर किसी भी रूल में, नियम कानून में फंसे ना। कोई भी बंदा अगर फंसता है तो मुझे फिर ये वीडियो बनाने का फिर मेरा मकसद सफल नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों को, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि सऊदी में क्या हो रहा है, सऊदी का नियम कानून क्या है। तो चलिए वीडियो को करते हैं ख़त्म, तब तक के लिए बाय।